आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में कंट्रोल एनवायरनमेंट के बारे में क्यों ज़रूरी हैं इंटरनल कंट्रोल्स एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में भी पढ़ेंगे बट बिफोर वी स्टार्ट विथ टुडे सेशन एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने अपने पुराने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था याद है ना लेट्स क्विकली रिवाइज सो इन आ प्रीवियस सेशन वी टॉक्ड अबाउट अकाउंटिंग वट वॉज द रोल ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्जैक्टली अकाउंटिंग क्या है बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एनालाइजिंग दैम एंडराइजिंग दैम वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट वॉट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इट नीड्स टू बी रिलायबल कंप्लीट एक्ूरेट एंड सो मैनी अदर थिंग वी ऑल्सो दैन स्टडीड अबाउट द रेगुलेटरी सिस्टम जहाँ पे हमने देखा था दैट यू नो एक रेगुलेटरी सिस्टम है टू जो जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं एंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं यथ देर वॉज द गैप यूरोपियन यूनियन आई जो कि आई एफ आर एस ईशू करता है वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि आई एफ आर एस कैसे इशू होता है देन वी टॉक्ट अबाउट द वेरियस फाइनेंशियल सिस्टम्स इसमें हमने क्या पढ़ा था कि परचेजिंग सिस्टम सेल सिस्टम का क्या प्रोसीजर होता है एंड क्या कुछ कंट्रोल्स हमने बनाए हैं जैसे कि पेरोल और कैश में सो so दैट कोई एरर या फ्रॉड ना हो पेरोल में अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि कैसे यू नो एम्प्लॉयज माई क्रिएट गोस्ट एम्प्लॉयज़ एंड फ्रॉड के चांसेस होते हैं सो वॉट आर द सम कंट्रोल्स दैट कैन बी यूज देन वी टॉक्ट अबाउट क्या ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल की क्यों हम ये कंट्रोल इन फर्स्ट प्लेस रखते हैं विचॉज बेसिकली कोई भी एरर या फ्रॉड से बचने के लिए दैन वी टॉक अबाउट ऑटोमेट सिस्टम्स जहाँ पे हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन एक मैनूअल एंड ऑटोमेट सिस्टम एंड वी टॉक अबाउट सर्टन डिसएडवानटेजेस ऑफ मैनुअल सिस्टम विच वॉज बेसिकली दैट प्रोसेसिंग स्लो होती है एंड एफिशेंसी भी कम होती है एज कम्पेयर टू द ऑटोमेट सिस्टम एंड देन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग और बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट जैसे कि हमारा मार्किंग डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट

सो दैट वी नो जो भी एक्टिविटीज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में वो सिंपली स्मूथली हो रही है देर आर नो चांसेज ऑफ एनी एरर और फ्रॉड और अगर कोई गलती है कोई एरर हुआ है देन वो हमें पता चल जाए और हम उसको करेक्ट कर पाए सो इंटरनल कंट्रोल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू काउंटर एनी रिस्क एंड मेनटेन करने के लिए उनकी क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग एंड कंप्लाई विथ सर्टन लॉज एंड रेगुलेशंस

ही शुड नॉट बी द ओनली वन जो कि इन वॉइस बनाए और ऑथराइज करे पेमेंट ये सारे काम सेग्रीगेट होने चाहिए बिटवीन डिफरेंट इम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट सो दैट द चांसेज ऑफ एरर और फ्रॉड इज रिड्यूस्ड एंड इंटरनल कंट्रोल इज एनी एक्शन विच विल बी टेकन बाई द मैनेजमेंट टू एनहस द लाइकली हो दैट जो भी इस्टेब्लिश गोल्स हैं ऑब्जेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो सके now the purpose of internal control is basically that orderly and efficient conduct of business. you have internal controls in place to make sure your business smoothly run, carry, efficiently run, no issue as such, nahoo, safeguarding of assets. if you have internal controls in place, then you are ensuring that you are safeguarding your assets so that koi chori nahoo, you know, we studied about this removal of assets. और कैश थेफ्ट सो इन सब को अवॉइड करने के लिए अपने एसेट्स को सेफ करने के लिए अ कंपनी विल हैव सेवरल इंटरनल कंट्रोल्स इन प्लेस प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर एरर हमने क्या पढ़ा था एरर होता है बेसिकली कोई भी यू नो अनइटेंशनली अगर मैं कोई गलती कर दूँ मिस्टेक अगर मुझसे कोई गलती हो गई और मुझे पता नहीं है लाइक like, अनइंटेंशनली मैं वो जान बूझ के नहीं कर रही हूँ उसको हम एरर कहते हैं लेकिन फ्रॉड फ्रॉड क्या होता है जब मैं इंटेंशनली कुछ कर रही हूँ कुछ गलत काम कर रही हूँ फॉर माई ओन बेनिफिट फ्रॉड एंड एरर इन सब के बारे में हम आगे के सेशन में और डिटेल में पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगेन वी हैव इंटरनल कंट्रोल्स इन प्लेस सो दैट वी मेक श्योर की जो भी हम अपने रिकॉर्ड्स दे रहे हैं जो हम अपने एट दी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रजेंट कर रहे हैं वी आर बेसिकली सेंग दे दे आर एक्ूरेट एंड कम्प्लीट बिकॉज वी हैव सर्टन कंट्रोल्स इंड चेक्स इन प्लेस टू चेक एंड यू नो मेक श्योर दैट ये सारे जो हमारी जो भी रिकॉर्ड्स है स्टेटमेंट से वो सब कम्प्लीट हैं एंड एक्यूरेट है एंड टाइमली प्रिपरेशन ऑफ योर रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन

अगर मैं कोई काम कर रही हूँ एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग अगर कोई चेक नहीं है यू नो इज नो कंट्रोल इन प्लेस आई विल नॉट कम टू नो कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी और मैं करती ही जाऊँगी एंड इन एट लेटर स्टेज प्रॉबली मुझे पता चले एंड तब तक इट माइट बी टू लेट सो वी हैव दिस कंट्रोल इन प्लेस टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट कोई भी गलती एरर या कोई फ्रॉड अगर चल रहा है इन द ऑर्गेनाइजेशन नाउ कुछ कॉम्पनेंस हैं इस इंटरनल कंट्रोल के वी विल हैव अ कंट्रोल एनवायरमेंट वी विल हैव सर्टेन कंट्रोल प्रोसीजर्स वी विल हैव एक एंटिटी की रिस्क असैसमेंट प्रोसेस वी विल हैव कंट्रोल एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल सो वी विल लुक एट ईच वन ऑफ दिस इन डिटेल कंट्रोल इनवायरमेंट इज बेसिकली जो ओवरऑल एटीट्यूड है अवेयरनेस है यू नो ऑफ योर मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स रिगार्डिंग दी इंटरनल कंट्रोल और उनका इंपॉर्टेंस आपकी एंटिटी में सो so, आपके जो मैनेजर्स हैं जो डायरेक्टर्स हैं यू नो उनका क्या बर्ताव है उनका क्या व्यू है टूवर्ड्स योर इंटरनल कंट्रोल वॉट इज देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर वो बनाता है एक कंपनी का कंट्रोल एनवायरमेंट ना जो कंट्रोल प्रोसीजर्स होते हैं दीज आर जस्ट डिटेल्ड कंट्रोल इन प्लेस तो अगर मैंने कोई कंट्रोल डाला है फॉर एग्जाम्पल फिर से आते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में तो उसमें एग्जैक्टली मैं क्या बता रही हूँ दैट विल बी माई कंट्रोल प्रोसीजर न जो टर्नबुल रिपोर्ट है ऑन इंटरनल कंट्रोल इट ऑल्सो हाईलाइटेड दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस कि कितना इम्पॉर्टेंट है नो कम्युनिकेट करना बिटवीन वेरियस फंक्शन और डिपार्टमेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द कंटिन्यूइंग इफेक्ट ऑफ योर सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल सो so, जस्ट आपने इंटरनल कंट्रोल डाल दिए दैट डजन मीन आपका काम हो गया यू कंटिन्यूसली हैव टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ दो इंटरनल कंट्रोल क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में कुछ और नई प्रॉब्लम हो जाए कोई कोई लूप होल फाइंड कर ले एंड दे आर नॉट इफेक्टिव एनी मोर सो यू विल कीप ऑन मोनिटरिंग दैन एंड सींग दैट आर दिल अफेक्टेड एंड और कोई चेंजेस करके आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं

जो कि हेंडल कर सकता है मेरा काम तो उससे रिलेटेड आई शुड बी हैविंग क्लियर स्ट्रैटी कि मैं कैसे ओवरकम कर सकूँ या मिटिगेट कर सकती उन रिस्क को कंपनी का कल्चर और उनका कोड ऑफ कंडक्ट उनकी जो भी पॉलिसीज़ है एंड रिवोर्ट सिस्टम सपोर्टिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो ये सारी एलिमेंट्स भी यू you नो know, एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्या पॉलिसीज़ हैं प्रोसीजर्स हैं एंड आपका क्या परफॉर्मेंस रिवॉर्ड सिस्टम है विच इज बेसिकली आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे रिवॉर्ड कहते हो वट इज द सिस्टम सीनियर मैनेजमेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग थ्रू एक्शंस एंड पॉलिसीज कमिटमेंट टू कम्पेट कम्पेटेंस इंटिग्रिटी एंड फॉस्टरिंग अ क्लाइमेट ऑफ ट्रॉ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका सीनियर मैनेजमेंट है वो फ्रॉम द टॉप बेसिकली दे शुड एंकरेज एंड मोटिवेट पीपल and they should also foster an environment a climate of trust they should you know emphasize that how important it is for them to have integrity and honesty and should deal in a true manner clear definition of authority responsibility and accountability so that decisions are made and actions can be taken by appropriate people Clearly you will have to tell who has the authority to let's say do a particular task. Authority is basically if I have a right to tell someone to do something. Responsibility will be agar koi kaam hai अगर मुझे कोई इसी ने काम दिया है, मेरे मैनेजर ने मुझे कोई काम दिया है, then I am responsible for it, I am accountable for that work. Authority को मैं फिर भी डेलीगेट कर सकती हूँ, I can tell someone else to do it. लेकिन जो responsibility, है, accountability है, दैट कैन नेवर बी डेलीगेटेड वो उस इंसान जिसका काम है उसी की होगी कम्युनिकेशन टू एम्प्लॉयज वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑफ दैम एंड स्कोप ऑफ द फ्रीडम टू एक्ट पीपल इन द कंपनी हैविंग द नॉलेज स्किल्स टू सपोर्ट अचीवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड टू मैनेज एफेक्टिवली इट्स रिस्क ना क्लासीफिकेशन ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर्स ना कुछ कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं हम उनके बारे में देखेंगे इन डिटेल जैसे कि हैंडम एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या है ये है कंसर्न विद अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन का एंड विद इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पॉलिसीज़ दे रिलेट टू चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो दीज आर बेसिकली कंसर्न विद कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करे देन एडमिनिस्ट्रेटिव इज ऑल्सो रिलेटेड टू जो भी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं उसे कैसे इम्प्लीमेंट करा जाए अकाउंटिंग विल ऑबियसली एम टू प्रोवाइड एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड टू अचीव अकाउंटेबिलिटी तो जो आप अकाउंटिंग यू नो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हो टू मेक श्योर कि वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है रिलायबल है प्रिवेंट प्रिवेंटिव कंट्रोल्स क्या होते हैं दिस इज बेसिकली टू डिजाइड एनी प्रिवेंट एर फ्राम हैपनिंग इन द फर्स्ट प्लेस वेन यू से प्रिवेंट यू बेसिकली सेम कि कुछ गलत होने से पहले आप उसको ठीक कर दो सो दैट वो गड़बड़ी हो ही ना फॉर एग्जाम्पल इफ़ यूर चेकिंग योर इन्स फ्रॉम सप्लायर अगेंस्ट योर गुड रिसीव नोट बिफोर पेइंग द इन्एसिस सो अगर मैंने चेक कर लिया आई मैच एन ऐसे हाँ ये ठीक है एंड देन आई मेक द पेमेंट तो अगर कोई गड़बड़ी हो सकती थी लेट्स से नो दे आर नॉट मैचिंग और अगर मैंने चेक नहीं किया होता और पेमेंट कर दिया होता देन गड़बड़ी हो जाती बट मैंने ये चेक एक पहले ही प्लेस में लगा दिया है टू प्रिवेंट एनी एरर फ्रॉम हैपनिंग सो प्रिवेंट में एनी रॉन्ग थिंग फ्रॉम हैपनिंग अब उसको यू you नो know, वो ना हो उसके लिए ये प्रिवेंटिव कंट्रोल्स होते हैं डिटेक्टिव कंट्रोल्स या डिटेक्ट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे हम कहते हैं कि ऑलरेडी कुछ गलती हो गई है बट उस गलती को पकड़ने के लिए दीज कंट्रोल्स आदे

उसको चेक करूँ अगेंस्ट माई रिकॉर्ड लेट से मेरे रिकॉर्ड में कह रहा है कि देर शुड बी थाउजेंड यूनिट्स और मैंने जाके देखा दे वर ओनली लेट से नाइन फिफ्टी यूनिट्स तो पचास यूनिट मिसिंग है सो so, गलती ऑलरेडी हो गई है बट आई हैव डिटेक्टेड इट मुझे पता चल गया है गलती हो गई अब उससे डील मैं अलग वे में करूंगी करेक्ट करेक्टिव मेजर्स आर बेसिकली डिजाइन टू मिनिमाइज और नेगेट द इफेक्ट ऑफ एरर्स एग्जाम्पल फॉर दिस विल भी बैकअप ऑफ कंप्यूटर इनपुट एट द एंड ऑफ द डे सो यू वॉन्ट टू मिनिमाइज इसमें कोई भी इफेक्ट है कह रखा बेसिकली अगर मैंने बैकअप ले लिया लेट्स एट दी एंड ऑफ द डे कल कॉल माई सिस्टम क्रैशेज नेक्स्ट डे फाइफ का मैंने फाइन मेरा सिस्टम क्रैश हो गया है सो आई हैव नथिंग टू वरी बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ बैकअप ऑफ दैट डेटा डिसक्रिप्शनरी आर दाउज कंट्रोल्स विच आर सब्जेक्ट टू योर ह्यूमन डिस्क्रिप्शन बेसिकली चेकिंग जैसे अ सिग्नेचर ऑन अ परचेज ऑर्डर सो दीज कंट्रोल्स आर इन प्लेस फॉर ह्यूमन डिस्क्रिप्शन अगर आप यू नो इफ़ यू चेकिंग सिग्नेचर ऑन दी ऑर्डर दैट विल बी डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिप्शनरी वो कंट्रोल्स होंगे जो कि ऑटोमेटिकली सिस्टम में हो जाता है एंड दे कैनॉट बी ओवर रिडन फॉर एग्जाम्पल आप ए टी एम में जाते हो यू नो पिन डालते हो और फिर पैसा आता है दैट इज नॉन डिस्क्रिप्शनरी मैंडेटेड वो कंट्रोल्स हैं जो कि इम्पोज हैं बाई लॉ एंड दे आर लाइक कम्पल्सरी

Before you are making let's say a payment, supplier payment if you have this control in place, someone will authorize the payment, other person will probably approve it and sign it, then the chances of any error of fraud happening is definitely reduced. So let's have a look. Segregation of duties, of course, is one of the types of your control procedure wherein you will have.

Only they are allowed to move the funds or the assets, then of course, I have a control in place. If anyone is allowed to do that, then someone will do it, you will not even come to know. Authorization and approval like I said, all the transactions should require an authorization and approval by the person who is responsible. Management should provide control through analysis and review of accounts. Example there should be a provision of your internal audit services. सुपरविजन ऑफ द रिक्डिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन तो जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो अपनी ट्रांजेक्शन उसका दे शुड भी सम्मन टू सुपरवाइज एक बार रिव्यू होना चाहिए एंड द पर्सन हु इज डूइंग इट शुड नॉट बी द पर्सन हुई इज ऑल्सो रिव्यूइंग इट बेसिकली सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ऑर्गेनाइजेशन यू नीट टू आइडेंटिफाई योर रिपोर्टिंग लाइन्स लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हु विल भी रिस्पॉन्सिबल एट द एंड ऑफ द डे इफ समथिंग वो इज रॉन्ग This will ensure everyone is aware of their control and their responsibility. People need to be aware of their exact role responsibility. Only then they work towards achieving the goals. Arithmetical and accounting. Basically, you are checking any correct and accounting record processing of transaction. Reconciliations, karna, trial karna. You know you are checking that everything is going फाइन ट्रायल बैलेंस में आप बेसिकली देखोगे यस बोथ साइड्स आर मैचिंग देन यू विल बी लाइक कि इट इज एथमेटिकली करेक्ट पर्सनल अटेंशन शुड बी गिवन वेन यू आर सेलेक्टिंग द पीपल रिक्रूटिंग दैम एंड ट्रेनिंग दैम नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इंटरनल चेक्स इंटरनल चेक्स क्या होते हैं इंटरनल चेक्स एक एलिमेंट है इंटरनल कंट्रोल का जो कि कंसर्न है दैट एक सिंगल टास्क जो कि स्टार्ट से लेके फिनिश तक शुड नॉट बी डन बाय वन पर्सन सो हियर हम कह रहे हैं कि अगर कोई एक काम है शुरुआत से लेके अंत तक वन पर्सन शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क बिकॉज देन आर चांसेज ऑफ फ्रॉड और इवन एर विल इंक्रीज हैंस इंटरनल चेक्स बेसिकली इज कंसर्न दैट एक इंसान ओनली वन पर्सन इज नॉट शुड बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वन पर्टिकुलर टास्क फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश ईच इंडिविजुअल वर्क शुड बी सब्जेक्ट टू एंड इंडिपेंडेंट चेक बाय अनादर पर्सन हर इंसान जो काम कर रहा है उसका काम चेक करने के लिए देर शुड बी अनदर पर्सन सो इफ आई एम इन लेट्स परचेसिंग डिपार्टमेंट एंड मेरा काम है यू you नो know, जो भी इन्वाइस आ रहे हैं सप्लाय से उसको चेक करने का देन ऑथराइजेशन का, का काम किसी और पर्सन का होना चाहिए पेमेंट अप्रूव करने का, का काम किसी और पर्सन का होना चाहिए एक इंसान शुड नॉट भी रिस्पॉन्सिबल फॉर

मेरा एक सुपरवाइजर होगा उसके अंडर देर बी सम पीपल सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप डिवाइड कर रहे हो यू नो डिपार्टमेंट्स को इन डिविजन्स बिकॉज देन यू विल क्लियरली नो एग्जैक्टली इफ़ समथिंग गोज इज रॉन्ग हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड हु इज अकाउंटेबल ऑफिसर्स मजब बी अपॉइंटेड टू अज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इच डिविजन सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये लेट्स से परचेजिंग डिपार्टमेंट है ये सेल्स डिपार्टमेंट है यू नो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है सो इसमें अब अंडर देर बी वन पर्सन अ सुपरवाइजर एंड उसके अंडर देर विल बी पीपल सो दिस पर्सन लेट्स ओवर हियर विल बी रिस्पॉन्सिबल इट्स अकाउंटेबल जो उसके नीचे जो लोग हैं वर्कर्स हैं उनके वर्क के लिए ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज द रिव्यू वर्क Clear lines of responsibility must exist between each division and subdivision. So, it is important that clear lines of responsibility. Basically, this person B is responsible for person 1, 2, and 3. And probably B who is responsible and seeing B. Kaise kaam kar so, you know, you have clear lines of responsibility. There must be overall coordination of the company's activities. एंड इन डिपार्टमेंट्स के बीच में भी दे नीड्स टू बी अ कोऑर्डिनेशन एडुकुट इंटरनल चेक्स इज अनादर फीचर ऑफ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दैट दे शुड भी एडुकेट इंटरनल चेक्स जैसे कि आपका सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो गया या फिर प्रूफ मेजर्स जैसे कि यू आर यू नो चेकिंग द टोटल्स एंड बैंक रिकन्सिलेशन शुड बी यूज इफ़ यू उट कुछ गड़बड़ी हुई है एंड यू कैन प्रोबली सी वेयर थिंग्स वेट रॉन्ग हुजमेंट ऑफ वर्क डन पीपल हु कैरी आउटिकुलर जॉब शुड एक्नोलेज बाय मीन्स ऑफ सिग्नेचर इनिशियल तो अगर मैंने कोई काम किया लेट से इन मैंने एक अप्रूव किया सो so प्रॉब्ली नीचे मेरे को साइन करना चाहिए या एक स्टैंप लगा देना चाहिए और अपने इनिशियल डाल देना चाहिए सो so दैट जब वो आगे डिपार्टमेंट में जाए यू नो पेमेंट डिपार्टमेंट दैट पर्सन नोज दैट सम वन हैज चेक्ट दिस इज करेक्ट दिस इज एक्यूरेट प्रोटेक्टिव

यू you नो know, सिर्फ कुछ लोग के पास होना चाहिए पीपल शुड बी गिवन एक्सेस कार्ड देर शुड बी कैमराज एवरी यू नो दिस फिजिकल सिक्योरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ समथिंग गोज इज रॉन्ग यू कैन इमीडिएटली चेक इट चेक के द कैमराज एंड एट द फर्स्ट प्लेस इफ यू हैव दीज कंट्रोल्स द एक्सेस कार्ड आपने दिया है ऑलरेडी लोग के पास देन कोई थर्ड पार्टी कोई और एक्सेस ही नहीं कर पाएगा बिकॉज ओनली सर्टन पीपल हैव और टू गो

ऊपर जो लोगों हैं लोग हैं उन्होंने सबने काम किया है किसी ने इन्वाइस चेक किया होगा सो so उनके आप इनिशियल्स आप डॉक्यूमेंट्स देखोगे दैट यस दैट पर्सन एक यू नो प्रोसीजर फॉलो हुआ है एंड नाउ आई कैन गिव ऑथराइजेशन पोस्ट रिव्यू कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन शुड बी रिव्यूड आफ्टर दे हैड हैपेंड एक बार ट्रांजेक्शन हो गया है दैट डजेंट मीन दैट वर्क इज डन उसके बाद भी यू शुड गो हैड एंड रिव्यू इट बिकॉज कोई अगर गलती हो So you can catch it then and there, and that, you can train your employees and make them aware that this is an internal audit department should be able to verify that the control system it is working effectively and to review the system to ensure that it is still appropriate for current circumstances. Like I said. द इनवायरमेंट इज चेंजिंग हो सकता है फ्यूचर में जो इंटरनल कंट्रोल्स आपके अभी हैं इन प्लेस में फ्यूचर में वो इफेक्टिव ना हो सो इट इज इम्पॉर्टेंट जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है दे आर कंटिन्यूसली रिव्यूइंग एंड मोनिटरिंग दिस प्रोसीजर्स एंड इफ दे थिंक दैट दे नीड्स टू बी ऑल्टर्ड और चेंजड टू सू द इनवायरमेंट दे शुड गो हैड एंड डू दैट नॉट आर द लिमिटेशन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स सो पहला लिमिटेशन इज बेसिकली जो इंटरनल कंट्रोल्स आपके इनप्लेस हैं विद रिगार्ड्स टू लेट्स एग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज दैट विल नो लॉन्गर भी अफेक्टिव अगर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट ड्यूटीज दे ओनली कम टूगेदर सो अगर मैं रिस्पॉसिबल थी यू नो फॉर ऑथोराइजेशन एंड कोई और रिस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रूवल ऑफ पेमेंट अब वैसे तो इन्होंने हमारा ड्यूटी सेग्रीगेट कर दी बट अगर हम मिल के बोलें कि नहीं इफ यू वॉन्ट टू कमिट फ्रॉड लेट्स ए मिल के इफ यू कोलाइड ऑफकोर्स इस इंटरनल कंट्रोल का ऐसा कोई फायदा ही नहीं होगा बिकॉज इवन दो हैव बिन सेग्रेटेड बट वी द पीपल हैव यू नो कोलाइडेड एंड दे कम टूगेदर टू कमेट एनी फ्रॉड एज सच नेक्स्ट वन इज ऑथराइजेशन कंट्रोल्स कैन ऑल्सो बी अब्यूज बाय द पर्सन हू इज रिस्पॉन्सिबल हु इज बिन गिविंग दैट पावर एंड इवन मैनेजमेंट कैन ऑफन ओवर एट देयर ओन कंट्रोल दैट दे हैव ओनली सेटअप तो उन्होंने इवन दो ये खुद

जो कि वैसे तो कंपनी का ही हिस्सा होता है बट देयर वर्क इज टू चेक दैट जो भी आपकी यू नो इंटरनल कंट्रोल्स एंड सिस्टम्स इन प्लेस हैं दे आर वर्किंग इफेक्टिवली दे आर बेसिकली चेकिंग द वर्क ऑफ द अदर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन सो इट इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी व्हिच इज एसटेब्लिश बाय द मैनेजमेंट टू एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क असेसमेंट प्रोसेज देयर सिस्टम्स एंड टू मेक एनी रिकमेंडेशंस so internal auditors basically they will guide the organization because if they think something is going wrong you know checks are not in place they will probably suggest in, in jagape we need those checks they will monitor and attempt to improve all the processes which are there in the organization now why do we need internal control so the turnbull report states that the need for internal control will depend on certain factors what are those factors द स्केल डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंपनीज एक्टिविटीज इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रियली बिग देर आर मेनी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज देन डेफिनेटली द नीड फॉर इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट अराइजेज हाउ एवर आपका अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है उतनी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज नहीं है देन प्रोबेबली यू डोंट नीड दैट बिकॉज उसका कॉस्ट माइट यू नो विल बी नॉट सो बेनिफिश उसका आपको शायद बेनिफिट उतना ना मिले पर आपका कॉस्ट ज़्यादा हो सो यू विल हैव टू सी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इज इट नेसेसरी और नॉट यू नो इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इम्प्लॉयज इफ़ यू हैव मनी इम्प्लॉयज इफ यू हैव मैनी फंक्शंस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट बेनिफिट कंसिडरेशन लाइक ए सेट फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मे बी द कॉस्ट ओवो इज द बेनिफिट उसका कॉस्ट उसको सेटअप करने का कॉस्ट रन करने का कॉस्ट या ज्यादा पड़ जाए आपको दैन एनी बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग चेंजेस अगर हो रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में रिपोर्टिंग प्रोसेस में इफ देर एनी चेंजेस इन द की रिस्क इफ़ यू फील योर रिस्क आर चेंजिंग आपकी बिजनेस रिस्क बढ़ गई है यू प्रॉबलीन वीड एन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इफ़ यू फील देर एनी प्रॉब्लम विद योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स और इंक्रीज नंबर ऑफ अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सप्लेन इवेंट्स अगर आप यू नो यू आर सींग दैट थोड़े बहुत पिछले कुछ टाइम में यू नो दे फ्रॉड केसेज देन कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं विच आर नॉट फेवरेबल फॉर दर्गेनाइजेशन देन यू प्रोबेबली डिसाइड टू हैव एन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ना ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इंटरनल ऑडिट के फर्स्ट इज दैट ये रिव्यू अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स है सिस्टम है इन प्लेस सो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट उसको रिव्यू करेगा चेक करेगा मॉनिटर करेगा दैट इट इज़ वर्किंग एफिशियंटली एंड एफेक्टिवली एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल and your operating information review of compliance with basically you'll see that it is meeting with the compliance of any laws regulations jo ki zarurat review of safeguarding of assets. They will check that enough controls are in place and to ensure that there is safeguarding of the assets identification of any significant business your financial risk agar and that they will probably then communicate to the management. Any special investigation into particular area. If a fraud is suspected, then again the internal audit department will probably look into that area to find out how it happened, ja, controls effective, or exactly what went wrong. Features of internal audit: first is independent. Basically, even though wo ek organization ka hi hissa hai, but it is independent. इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गनाइजेशन बट इट शुड भी रिमेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट हूज फेयर ऑफ अथॉरिटी इट मे ऑडिट सो बेसिकली क्योंकि वो बाकी डिपार्टमेंट्स मैनेजमेंट सारे कंट्रोल्स इन सब का इन अ वे ऑडिट कर, कर रहा है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द रिमेन इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव अप्रेजल इट इज कंसर्न विद द अप्रेजल ऑफ द वर्क विच इज डन बाय अदर पीपल अदर डिपार्टमेंट इन दर्गनाइजेशन एंड इंटरनल ऑडिटर्स शुड नॉट कैरी एनी ऑफ दैट वर्क बेसिकली मैं नहीं होनी चाहिए कि मैं ही अगर अप्रूवल ऑथराइजेशन या इन सब में इन्वॉल्व हूँ एंड देन इंटरनल ऑडिट में मैं ही चेक कर रही हूं कि भाई ये सब सही हुआ कि नहीं अदर पीपल का काम है आपका रिव्यू करना एंड यू शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन डूइंग दैट वर्क यू शुड नॉट बी एट द एंड रिव्यूइंग योर ओन वर्क न वॉट आर द सर्टन टाइप्स ऑफ ऑडिट फर्स्ट वन इज ऑपरेशनल ऑडिट विच इज़ बेसिकली कंसर्न विद एनी स्पेयर ऑफ कंपनी का एक्टिविटी इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है मॉनिटर मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस एट एवरी लेवल एंड टू इंश्योर दैट द यू नो ऑब्जेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो मीट हो रहे हैं कि नहीं दे आर ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट एफिशेंसी और वैल्यू फॉर मनी ऑडिट्स सिस्टम ऑडिट में बेसिकली यू आर टेस्टिंग एंड इवेल्यूएटिंग योर इंटरनल कंट्रोल्स दर्गेनाइजेशन यूर चेकिंग दैट जो इंटरनल कंट्रोल है इन प्लेस दर वर्किंग फाइन और नॉट इसमें दो टाइप के टेस्ट आते हैं पहला हो जाता है हमारा कंप्लाइंस टेस्ट वेयर यूर बेसिकली सिकिंग एविडेंस दैट द इंटरनल कंट्रोल आर बी अप्लाइड एज प्रिस्क्राइब इन कंप्लायंस टेस्ट बेसिकली यूर चेकिंग जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं एंड जैसा उनको बोला गया यूज करने के लिए वैसे यूज हुआ जा रहा है या नहीं टांटिव टेस्टिंग में बेसिकली वो चेकिंग द फिगर्स जो कि आपके अकाउंटिंग एट द एंड जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर्स जा रहे हैं इन सब्सटैंडिव टेस्टिंग यू आर दैट दो फिगर्स आर करेक्ट और नॉट वो फिगर्स कहाँ से आ रहे हैं उस फिगर्स जो भी आ रहे हैं उसके लिए एविडेंस है कि नहीं फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट में मैंने अपना कैश का फिगर दिखाया ना अगर मैं कह रही हूँ लेट से हंड्रेड मिलियन डॉलर्स हैं मेरा कैश का फिगर्स तो इन टेस्टिंग, फर्स्टली आई नीड टू चेक दैट हंड्रेड मिलियन डॉलर सही है नहीं। then, कि नहीं देन आई लेव टू चेक कि हंड्रेड मिलियन डॉलर्स कहाँ से आया आई विल देन चेक कि एक कैश की टेस्टिंग की होगी कि बैलेंस एज पर बैंक मेरा इतना है देन मैं बैंक से कन्फर्मेशन लूंगी थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन मैं बैंक से पूछूंगी कि इस कंपनी का एक्चुअली आपके बैंक अकाउंट में क्या यही अमाउंट है नहीं? So कि नहीं एंड देन प्रोबेबली बैंक विल कंफर्म सो देन आई विल कोरोबरेट द एविडेंस एंड से यस हंड्रेड मिलियन डॉलर्स वाज करेक्ट नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अकाउंटेबिलिटी नॉ जो इंटरनल ऑडिटर है दे आर अकाउंटेबल टू द हाइस्ट एग्जीक्यूटिव लेवल इन दर्गेनाइजेशन Ya to they will be reporting to a audit committee if the company has one or the board of directors directly. Now, there are three main reasons for this requirement that the auditor needs to access all parts of the organization, he should be free to comment on the performance of management. So, auditor ko agar lag hai, internal auditors ko, ki something is not going right, then they should freely be able to say that without any fear. कि मैनेजमेंट क्या बोलेगा या सोचेगा एंड दूड रिपोर्ट नीड टू बी एक्शन एट द हाइस्ट लेवल टू इंश्योर इट्स एफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हैव टू रिपोर्ट इट टू इधर ऑडिट कमिटी एंड बोर्ड ऑफ डिरेक्टर सो दैट अगर कोई इशू है यू नो पॉलिसीज कैन बी देन इम्प्लीमेंटेड एट द दाइस्ट लेवल नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है एक्सटर्नल ऑडिट में बेसिकली जो अब ये आपके कंपनी से रिलेटेड नहीं है मतलब ये कोई आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज कोई डिपार्टमेंट नहीं है इट्स अनदर ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपके शेयर होल्डर्स ने बो डायरेक्टर्स ने जिसको हायर किया गया है इट कुड बी एनी कंपनी कोई बिग फोर हो सकता है कोई और कंपनी हो सकती है जिसको हायर किया गया है टू चेक दैट जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है आर दे गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट सो एक्सटर्नल ऑडिटर आपके कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होते हैं ये एक थर्ड पार्टी अलग ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी होती है विच इज देयर टू चेक एक्यूरेसी ऑफ योर अकाउंट्स नाउ एक्सटर्नल ऑडिटर्स विल डेफिनेटली वर्क क्लोजली विद द इंटरनल ऑडिटर्स अगर इंटरनल ऑडिटर्स ने लेट्स से अच्छे से काम किया है दे हैव यू नो डॉक्यूमेंटेड द प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस ऑल द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देन एक्सटर्नल ऑडिटर का काम थोड़ा आसान हो जाता है बिकॉज देन दे केन रिलाई ऑन दे वर्क ऑफकोर्स देस देर ओन जजमेंट एंड वो सब चेक जरूर करेंगे बट दे केन डेफिनेटली रिलाई सो लेट्स सी नाउ एक्सटर्नल ऑडिट इन डिटेल एक्सटर्नल ऑडिटिंग इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द एविडेंस फ्राम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर डिराइव सो बेसिकली जो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेरे आ रहे हैं लेलेंस शीट में कैश हो गया या मेरे एसेट्स हो गए ये फिगर कहाँ से आ रहा है उसके लिए मेरे पास एविडेंस है फॉर कैश आई विल प्रॉबली चेक द बैंक इंफॉर्मेशन फॉर एसेट्स आई विल चेक यू नो एसेट्स रजिस्टर्स मैं उसकी टेस्टिंग करूँगी श्योर जो भी फिगर आ रहा है इट इज़ करेक्ट एंड आई हैव इनफ एविडेंस टू से दैट येस ये फिगर यहाँ से आ रहा है इन ऑर्डर टू गिव द रीडर ऑफ दो स्टेटमेंट्स द कॉन्फिडेंस दैट द स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर इन अ ट्रू एंड फेयर मैनम

जस्ट टू प्रोवाइड एन ओपिनियन टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स टू द शेयर होल्डर्स वेदर और नॉट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दे गिव ट्रू ऑफ हू आर देर रिपोर्टिंग टू रिपोर्टिंग टू योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इधर दमिटी एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स या मेम्बर्स ऑफ द कंपनी रिलेटिंग टू इंटरनल ऑडिट वर्क रिलेट करता है ऑपरेशन ऑफ दर्गेनाइजेशन एक ऑर्गे में क्या ऑपरेशन है क्या काम हो रहा है इन प्लेस उससे लेकिन एक्सटर्नलैंशियलियल रिकॉर्ड अंडरलाई दीज बेसिकली जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा है दे विल बी चेकिंग दो आइटम्स की आदि करेक्ट और नॉट कहाँ सा आ रहा है एविडेंस है कि नहीं वॉट इज द रिलेशनशिप विद द कंपनी इंटरनल ऑडिटर्स आर

कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स विल यू नो सी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का वर्क एंड इफ दे फील दैट दे हैव गुड जॉब क्लियरली डिफाइंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दे माइट आल्सो रिलाई ऑन इट कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन विल मिनिमाइज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बिकॉज वो फिर से वो काम करे उसका एसड सेंस नहीं बनता है सो दे विल चेक दे वर्क एंड इफ दे फील इट्स वेरी गुड देन दे रिलाई ऑन इट

They will ask for that exchange of audit reports and management letter and development of audit techniques, methods, and technology. Now, assessment by external auditors. In this, basically, we are saying that what is the criteria that should be considered by the external auditors. Firstly, is organization status, internal audit specific status, organization ka, and internal audit function. देयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सो दे एसेस एग्जैक्टली एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट उनका कैसे है आधे इंडिपेंडेंट और नॉट बिकॉज इफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स फील दैट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज कॉम्प्रोमाइज देर प्रोबली नॉट इंडिपेंडेंट देन ऑफकोर्स वो उसके काम पर रिलाई नहीं करेगा स्कोप ऑफ द फंक्शन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ दसाइनमेंट्स जो कि इंटरनल ऑडिटर्स कर रहे हैं

and do those internal auditors have enough competence technical knowledge and if the external auditors think that yes they are good they have the knowledge they know what they are doing then they will definitely they can rely on some of their work due professional care when internal audit work is properly planned supervised the existence of adequate audit manuals work programs and papers must be considered so they will also check the internal audit department in jobna इंटरनली जो भी प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंट किए हैं जो भी पॉलिसीज डॉक्यूमेंट किए उसको भी दे विल चेक एंड हैव अ लुक नाउ वी मूव ऑन टू द आई टी सिस्टम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सो सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम एनी एक्सीडेंट और डेलिबरेट थ्रेट तो अगर कोई गलती से कुछ कर दे एक्सीडेंट या डेलिब्रेटली कोई यू नो हार्म करना चाह रहा है उससे आप कैसे प्रोटेक्ट करो उसमें आता है सिक्योरिटी इन प्लेस नाउ देर आर फिज़िकल थ्रेट्स फिजिकल थ्रेट्स जैसे कि फायर फ्लड आपने जहाँ अपना यू नो सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं आपकी जो सिस्टम्स है वहाँ अगर आग लग गई फ्लड आ गया देन वॉट विल यू डू बिकॉज एवरी थिंग विल बी डिस्ट्रॉयड so a fire safety plan will be essential for security procedures in order to prevent fire detect fire if that's the case if you feel ki you know toh kahin pe bhi ho sakta hai, this is not something you can predict ki, bhai mere aang, aag kabhi ya, flooding hogi, and especially if you are in a flood prone zone you should have certain procedures in place fire safety procedures in place to make sure if something like this happens how can you predict प्रिवेंट द फायर फ्रॉम हैविंग और इफ़ इट हैपन्स आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो उसका इफेक्ट वाटर इज ऑल्सो सीरियस हजार दिस प्रॉब्लम कैन बी काउंटर्ड बाई यूजिंग प्रॉबली वाटर प्रूफ सीलिंग्स वेदर विंड रेन स्ट्रॉन्ग ऑल ऑफ दिस कैन ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट एंड डैमेज द बिल्डिंग्स लाइटनिंग कोई लाइटनिंग हो गई एलैक्ट्रिक स्ट्रांग हो गया दैट ऑल ऑफ दैट कैन हैव एन एफेक्ट यू नो यू पावर अप्लाई कैन गो यू शुड प्रोबेबली हैव एंड इन्वर्टर कि भाई अगर ऐसे कोई केस हो जाए और आपकी पावर सप्लाई चली जाए देन वॉट विल यू डू पावर से फेलियर कैन बी प्रोटेक्टेड अगेन यूज ऑफ सेपरेट जनरेटर और रिचार्जेबल बैटरी लाइक सेड. टेररिस्ट एक्टिविटी फिजिकल एक्सेस टू बिल्डिंग शुड बी कंट्रोल्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी सच एक्टिविटी हर ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में यूजली वैन यू आर एंटरिंग द बिल्डिंग ओनली दोज पीपल हु आर द एम्प्लॉयज They will have a card, no swipe card, and only authorized person will be allowed to enter. If someone is coming, let's say for visiting, then you know ID proof, check because you can't just let anyone enter in the organization. And if there is any accidental damage, how can you come back that? By basically having a good layout. यू you नो know, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके फॉर्म में वायर्स बिखरे हुए हैं एंड यू नो बिकॉज उससे भी पीपल कैन ट्रिप एनी एक्सीडेंट कैन हैपन सो यू शुड हैव अ गुड ले आउट एंड प्रोसीजर्स फायर सेफ्टी प्रोसीजर्स इन प्लेस फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स क्या हो गए लाइक यू नो पर्सनल इंक्लूडिंग रिसेप्शनल आउटसाइड वर्किंग आर सिक्योरिटी गार्ड्स कैन हेल्प कंट्रोल ह्यूमन एक्सेस यानी कि यू हैव सिक्योरिटी गार्ड इन प्लेस इफ कल को सामन हैज स्टिल एंटर लेट से स्वाइप किसी ने किया उसके पीछे पीछे कोई और भी घुस गया स्टिल यू शुड हैव सिक्योरिटी गार्ड्स एवरी फ्लोर पे बिफोर एंट्रिंग सो दैट ही कैन चेक अगर कोई इंसान यू नो एक ने स्वाइप किया और घुसा तो दूसरा ऐसे पीछे उसके पीछे पीछे, पीछे नहीं जा रहा है देन द सिक्योरिटी गार्ड कैन प्रोबली कैच होल्ड द पर्सन दे शुड भी रिसेप्शन जहाँ पे यू you नो know, वो पूछेंगे कि आप अगर कोई विजिट करने आए तो क्यों आए हैं दे विल प्रोबली चेक देर आई डी कार्ड एंड ऑल ऑफ दैट डोर लॉक्स कैन बी यूज सो अगर कोई रूम है जहाँ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है वेर यू फील यू नो आपका डेटा बेस है एंड यू हैव लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दैन डोर लॉक्स कैन बी यूज देअर एंड यू कैन हैव लाइक की पैड सिस्टम और अ कार्ड एंट्री सिस्टम फिंगर प्रिंट सिस्टम्स होता है कि रूम के बाहर ओनली दोज पर्सन हु आर ऑथोराइज टू एंटर उनका फिंगर प्रिंट इज़ अलाउड एंड अगर कोई और आएगा देन दे रिजेक्टेड

टेक्निकल एरर्स जैसे कि मैल फंक्शनिंग आपका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ही खराब हो, हो, uh, हो गया या सिस्टम्स और कंप्यूटर्स वर्किंग कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है देर कुड बी एनी अटैक जैसे कि फ्रॉड ही हो गया या फिर देर कुड बी अ साइबर अटैक वी हैव इंटीग्रिटी कंट्रोल्स वॉट इज दैट डेटा इंटीग्रिटी फर्स्ट वन इज इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी इज प्रिजर्व वेन डेटा इज एट द सोर्स डॉक्यूमेंट्स दैट इट हैज नॉट बीन एक्सीडेंटली और इंटेंशनली altered, विच बेसिकली मीन्स कि जो आपका डेटा है सोस डॉक्यूमेंट में आर सेम दैट ये डेटा ऑल्टर यानी कि चेंज नहीं किया गया है एक्सीडेंटली गलती से या इंटेंशनली किसी ने सिस्टम इंटीग्रेटी विल रिफर टू सिस्टम ऑपरेशन कन्फर्मिंग टू द डिजाइन स्पेसिफिकेशन डिस्पाइट अटेम्प टू मेक इट बिहेव इन कर अगर कोई सिस्टम में ही यू you नो know, कोई चेंजेस करना चाह रहा है सो यू हैव this in system in place that no one can just access it and make any changes input controls should ensure accuracy completeness and validity of your input data verification involves ensuring that data entered matches source documents so you will have a data verification where you verify that whatever you entered

हैज टोटल्स असिस्टम जनरेटेड टोटल यूज टू चेक प्रोसेसिंग हैज बीन परफॉर्म्ड एज इंटेंडेड रेंज चेक यूज टू चेक द वैल्यू एंटर्ड अगेंस्ट अब रेंज ना लेट्स ए आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आपको पता है कि बेसिकली इट इज फॉलोइंग रेंज जो सारे नंबर जो आ रहे हैं इट इज़ फॉलोइंग बिटवीन अ रेंज दैट कुलट ए पिक फाइव थाउजेंड टू नाइन 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 सो यू कैन हैव अ रेंज चेक जिसमें आप चेक कर लोगे कि इसी के बीच में आ रहा है कि नहीं एंड इफ समथिंग एल्स इज़ कमिंग लेट से टेन थाउजेंड के आ गया कहीं नंबर देन यू विल गो एंड चेक कि एग्जैक्टली ये कहाँ से आ रहा है बिकॉज एज पर यू इस रेंज के बीच में दिस रेंज के बीच में ही डेटा फॉल करना चाहिए एंड देर विल बी लिमिट चेक विच इज़ बेसिकली सिमिलर टू योर रेंज चेक लेकिन फॉर हायर अपर लिमिट प्रोसेसिंग कंट्रोल्स शुड इंश्योर द एक्ूरेसी एंड कम्प्लीटनेस ऑफ योर प्रोसेसिंग तो जो आपकी जो प्रोसेसिंग सिस्टम है उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए दिस रिवर्स टू योर आउटपुट कंट्रोल्स दे शुड इंश्योर आपकी एक्यूरेसी कम्प्लीटनेस और आउटर आउटपुट तो जो आप आउटपुट प्रोड्यूस करो बेसिकली यो आर से इट इज़ कम्प्लीट यू कैन रिलाय ऑन दिस इट इज एक्यूरेट वॉट आर द मेजर्स देट यू कैन यूज इज इन्वेस्टिगेशन टू फॉलो अप एरर रिपोर्ट्स एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट तो अगर कोई बीच में गड़बड़ हुई एंड देर आर एनी एरर रिपोर्ट देट आव कमिंग अप देन यू शुड इन्वेस्टिगेट एंड फॉलो अप की वो क्या गलती थी कैसे हुई थी बैच कंट्रोल्स टू इंश्योर ऑल आइटम्स प्रोसेस एंड रिटर्न कंट्रोल्स ओवर योर डिस्ट्रीब्यूशन और कॉपिंग ऑफ आउटपुट बेसिकली दे शुड बी कंट्रोल्स दैट नॉट एनी वन कैन जस कॉपी जो भी आपका आउटपुट है उसको कॉपी करके यू आर मेकिंग कॉपीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट एंड बाई लेबलिंग ऑफ योर डिस्क एंड टेप्स बैकअप कंट्रोल्स अ बैकअप एंड आरकाई स्ट्रैटजी शुड इंक्लूज ना बैकअप हम बेसिकली क्यों करते हैं इफ़ आई हैव एवरी यू नो प्लेस और माई सिस्टम्स इन वन प्लेस एंड कर्ल्फुल सेट कोई फिजिकल थ्रेट कोई फायर हो गया फ्लड हो गया तो मेरा तो सारा सिस्टम सब कुछ गया मेरा सारा डेटा गया सो so बैकअप करते हो आप यूजली एंड यू पुट यू नो जो आपने बैकअप किया है फिर हार्ड डिस्क और सॉफ्टवेयर पे

To come back that you will have backup. Purpose of backing up data is to ensure that most recent and usable copy of your data can be recovered and restored. So जो आपका probably at the end of the day probably you know the people in the IT will doing will do a backup ki कल को कुछ हो जाए कल को कल ये आग लग गई लेट से तो मेरे last date तक जो recent काम था उसका मेरे पास backup है. What is archiving? archiving is the concept that is the process of moving data from your primary storage such as your hard disk to any other portable media it basically provides a legally accepted business history while freeing up your hard disk if archive data is needed it can be restored from your archive tape to a hard disk so again it's may data and if you need that data archive data देन यू कैन रिकवर इट फ्राम अर हार्ड डिस्क है जहाँ पर भी आपने रखा है दे आर यूज टू रिकवर फ्राम साइड वाइड डिज़ास्टर जैसे कि फायर आ गया फ्लड हो गया पासवर्ड्स एंड लॉजिकल एक्सेस सिस्टम एंड इवन आरकाइविंग अगर आप ऑडिट में देखो वॉट वी यूज टू डू वैन आई वॉज वर्किंग इन ऑडिट हम आफ्टर एवरी ऑडिट वी वुड आरकाइव सो अगर मैं किसी सिस्टम पर काम कर रही हूँ ठीक है ई ऑडिट हो गया कैनवस में तो काम जो पूरा हो जाता है ना उसके बाद हम आर्काइव करते थे क्योंकि कल को उस सिस्टम में कुछ फेलियर हो जाए वी हैव अ बैकअप एंड हमें वो सारा काम दोबारा नहीं करना होगा सो पासवर्ड एंड लॉजिकल एक्सेस पासवर्ड इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो कि एलोकेटेड होगा टू अ पर्सन हर सिस्टम में या कहीं भी आपको अगर रिस्ट्रिक्ट करना है यू कैन यूज पासवर्ड टू यू नो रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑडिट ट्रेल ऑडिट ट्रेल बेसिकली एक वे होता है जिसमें आपको एक्जैक्टली exactly पता होगा कि स्टार्ट से लेके एंड तक कौन कौन लोगों ने उस सिस्टम पे काम किया है हु हैज मेड एनी चेंजेस सो इट इज़ अ रिकॉर्ड शोइंग हु हैज़ एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम एंड वॉट ऑपरेशन ही और शी इज परफॉर्म सो यूजली कंपनीज़ विल वर्क ऑन एनी सॉफ्टवेयर ऑडिट में सो सम कंपनीज यूज आई विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वन सॉफ्टवेयर ई ऑडिट तो उसमें अब मैं यू ऑडिट में लेट्स आई एम वर्किंग ऑन कैश सेक्शन ठीक है अब मैंने कैश सेक्शन कर लिया मैंने चेंजेस किए सो व्हेन यू सेइंग अबाउट ऑडिट ट्रेल बेसिकली आप एक फंक्शन होगा जहाँ आप जाके देख सकते हो कि ओके इट विल से कि दिशा ने कैश पे काम किया इतने बजे ये ये चेंजेस किए कल को क्योंकि आके अगर कोई और चेंज कर दे सो आई कैन गो एंड चेक कि ओ मेरे काम करने के बाद भी किसी ने चेंज किया है एंड यह काम सिर्फ मेरा था देन आई कैन कैच एंड से भाई इस इंसान ने वो क्यों चेंज किया या क्यों एक्सेस किया सो दे आर यूजफुल फॉर बहुत मेन्टेनिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड रिकवरिंग एनी लॉस ट्रांजैक्शंस कंटीजेंसी कंट्रोल्स दे आर देयर टू मेक श्योर देट कोई भी अनस्कड्यूल्ड अगर इंटरप्शन हो रहा है उसके लिए ऑफ योर कंप्यूटिंग सर्विसेज दैट मील

टन स्टैंड बाइक प्रोसीजर्स कि मैं उन, उन बाकी उन काम को कर सकती हूँ रिकवरी प्रोसीजर शुड बी देर वंस द कॉज ऑफ द ब्रेक डाउन हैज बीन डिस्कवर्ड और करेक्टेड एक बार आपको पता चल गया है कि क्या गड़बड़ी हुई थी देन रिकवरी प्रोसीजर विल कमिंग टू प्लेस वे यू विबली रिकवर द डाटा जो चला गया है या डिस्टर्ब हुआ है पर्सनल मैनेजमेंट पॉलिसीज टू इंश्योर दैट बोथ ए एन बी आर

You know whatever is happening, who Mira Jo, pe, jo bhi procedures I have followed that till the end when I have fully recovered the probably whatever was lost or whatever I needed. So this whole that will be the your disaster recovery plan. Next we move on to our cyber risk, cyber attack, and cyber security. Now these days we know everybody is using computers laptops most of the organizations are using automated system hence the risk of you know cyber attack increase hojata now what is cyber risk it is a term that covers a number of organization risk and possibly a cyber attack and it can result in your financial losses reputational and operation disruption so if you are undergoing for company is being you know साइबर अटैक हो गया तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डेटा है ओबियसली यू नो देस अ रिस्क फाइनेंशियली रिस्क है डेटा लूज होने का रिस्क है एंड ऑफकोर्स इज रेप्यूटेशनल डैमेज क्योंकि कल को इफ़ द हैकर्स आर एबल टू टेक आउट लेट्स से योर क्लाइंट का डेटा देन ऑफकोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रेप्यूटेशन पे इफेक्ट आएगा सो साइबर अटैक इज एनी अटेप टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू अ कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम सो साइबर अटैक इज बेसिकली इफ सम पर्सन थर्ड पार्टी हु इज़ नॉट रियली मेरा यू नो एम्प्लॉय और इवन अगर एम्प्लॉय हो सकता है बट हु इज़ नॉट ऑथोराइज टू एक्सेस अ पर्टिकुलर सिस्टम एंड वहाँ पे कोई अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है यू you नो know, उस सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा है दैट इज़ वॉट बेसिकली इज़ अ साइबर अटैक एम इज टू डिसबल डिस्टर्ब या इवन डिस्ट्रॉय करना सिस्टम तो या तो देस वो डिस्टर्ब मेरा जो भी काम चल रहा है उसमें अड़घन डालना चाह रहे हैं या फिर दे जिसमू सारा डेटा चुनाना चाह रहे हैं एंड आई विल बी लेव विथ नो डेटा साइबर सिक्योरिटी इज प्रोटेक्शन ऑफ द इस कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द रिस्क ऑफ अर साइबर अटैक थ्रू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी प्रोसीजर

so many times we hear an article news that you know you'll probably get an email from someone saying that you have won one crore rupees or you have won a million dollars and you will click on some link and then a virus will enter your system or you will be taken to some other page and something else will happen so any emails fraudulent emails job pages are that basically comes under phishing practicing of sending emails purporting from reputable companies in order to induce individual टू रिलीव द पर्सनल इंफॉर्मेशन ये भी हो सकता है दैट दे इंडिंग एन ई मेल सेट वी आर फ्राम दिस दिस कंपनी एंड प्रॉबेबली वी आर वी वॉन्ट टू हायर यू यू नो अगर किसी इंसान ने अप्लाई किया जॉब्स के लिए लेट्स इन अ पोर्टल ना वट दिस पीपल विल डू दे विल चेक किस किसने किया एंड प्रोबेबली देर सेंड एन ई मेल टू दो पीपल वो उनको टारगेट करेंगे आपको लगेगा आपको उस कंपनी से आ रहा है मेल और आप उनको अपनी मे बी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो बैंक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो एंड देन दे कैन यू नो कमिट अ फ्रॉड आपका गलत से पैसा चोरी कर सकते हैं या आपकी इंफॉर्मेशन को मिस कर सकते हैं वॉट इज फार्मिंग इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ साइबर अटैक जिसमें आपको एक फेक वेबसाइट पर ले जाया जाता है विथ सीम्स रियल विथ सीम्स लाइक द ओरिजिनल कंपनी की वेबसाइट एंड द यूजर विल टाइप इन अ वेब एड्रेस बट ही विल भी रीडायरेक्टेड टू अ फेक वेबसाइट तो इवन तो आप सही एड्रेस भी डाल रहे हो बट यू विल भी रीडायरेक्टेड टू अ फेक वेबसाइट जहां पर यू विल प्रोबेबली एंटर योर इन्फॉर्मेशन और समथिंग एंड योर कंप्यूटर क्व गेट है डेटा दे कु टेक फ्रॉम यू दैट इज वॉट इज फार्मिंग हैकिंग इज़ एन टू एक्सप्लॉयट अ कंप्यूटर सिस्टम या फिर प्राइवेट नेटवर्क इन साइड अ कंप्यूटर बेसिकली इट इज अनऑथोराइज एक्सेस टू कंट्रोल दूसरे का कंप्यूटर सो वन सन हैक्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ये बहुत बड़ा यू नो इशू है दैट इफ अगर उनका सिस्टम किसी ने हैक कर लिया देन ऑफकोर्स दे विल हैव दे एक्सेस एंड कंट्रोल सिस्टम में वो डेटा ले सकते हैं उसका किसी भी वे में मिस यूज़ कर सकते हैं एंड वेब कैम मैनेजर इज बेसिकली जो साइबर अटैकर्स है दे विल यूज अ सॉफ्टवेयर टू टेक कंट्रोल ऑफ यूजर्स वेब कैम तो आपका जो वेब कैम है या लैपटॉप पे जो कैमरा लगा है उसका कंट्रोल लेने के लिए दैट कम्स अम ड योर वेब कैम मैनेजर न साइबर सिक्योरिटी मेथर्स क्या है You will probably have access control so that you know unauthorized person ko SEGs companies will have firewall or antivirus installed in their systems so that hacking and you know any sort of cyber attack ka chances are reduced. What is cloud computing? Now, cloud computing is the practice of using a network of remote servers hosted on the internet.

कल को मैं कहीं और जाती हूँ आइगोना यू नो साइबर कैफ़े वहाँ के कंप्यूटर से भी मैं एक्सेस कर सकती हूँ मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जाती हूँ मैं उसके लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकती हूँ मैं अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकती हूँ बेसिकली मैं ये कहीं से भी एक्सेस कर सकती हूँ बिकॉज इट इज़ इन अ क्लाउड यह सच इंटरनेट पे है इट इज़ नॉट रियली दैट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट जस्ट स्टोर्ड ऑन माई पर्सनल कंप्यूटर या ऑन माई पर्सनल सिस्टम It is there over the cloud and मेरे पास एक्सेस होगा प्रॉब्ली आपको आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा but you can access it from any system. So cloud accounting is the practice of using an accounting system which will be accessed through the internet. So in cloud accounting aap access kar rahe ho system ko lekin it is on the internet and not exactly installed or a software is not there on the system. सो सम अकाउंटिंग सिस्टम सिट ऑन जस्ट वन कंप्यूटर एंड दे आर कॉल योर डेस्क टॉप अकाउंटिंग सिस्टम सो इफ आई हैव अकाउंटिंग सिस्टम और वो मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है तो सिर्फ मेरे ही सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है बट क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम में इंटरनेट बेस्ड होता है सो यू कैन एक्सेस द रिकॉर्ड फ्राम एनी वेयर अगेन इसके लिए आपको प्रॉब्ली एक आई डी पासवर्ड दिया जाएगा सो इफ आई एम समन एल्स प्लेस लेट्स ए मे क्लाइंट के यहाँ पे हो एंड मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए आई एम नॉट कैरिंग माई लैपटॉप आई कैन प्रोबली टेक सम वन लैपटॉप और सिस्टम एंड मैं अपने इनिशियल्स डाल सकती हूँ पासवर्ड डाल सकती हूँ एंड देन थ्रू क्लाउड अकाउंटिंग आई विल हैव एक्सेस टू ऑल दैट इन्फॉर्मेशन बिकॉज इट्स बेसिकली ऑन द सर्वर एंड इट्स नॉट ऑन अ पर्टिकुलर सिस्टम पर से नाउ वी विल डू दी एग्जाम्पल्स इसमें अभी हम थोड़े क्वेश्चन कवर करेंगे बट ऑफकोर्स इन क्वेश्चन मैराथन वी विल डू इन डिटेल मोर क्वेश्चन एंड दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आगे भी आपके यू you नो know, आगे के पेपर्स में लाइक ऑडिट वगैरह में ये सब ये बेस होता है और ये काम है सो so, इस चैप्टर से भी इस सेशन से भी यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट टू थ्री एम सी क्यू सो लेट्स डू आ फर्स्ट एग्जाम्पल Which of the following would be classed as a contingency control in an information system? Password only access to the system. System recovery procedure. or audit trail. Now contingency control is mise kya hoga? The answer is B. आपका सिस्टम रिकवरी प्रोसीजर बेसिकली कोई भी बैकअप या कुछ अगर आपने रखा हुआ है सिस्टम रिकवरी प्रोसीजर्स आर इन प्लेस फॉर एक्टिवेशन इन द इवेंट ऑफ कोई ब्रेकडाउन हो गया आपके सिस्टम्स काम करना बंद हो गए हैं एंड पासवर्ड एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर सिक्योरिटी कंट्रोल आप चाहते हो कोई एक्सेस ना कर सके इसलिए दैट कंट्रोल दैट सिक्योरिटी कंट्रोल इज इन प्लेस एंड ऑडिट ट्रेल में तो बेसिकली और हु ऑल एक्सेस द सिस्टम हु ऑल मेड द चेंजेस

to establish the cause of error or omission no or to establish an audit trial no we are doing basically to identify agar koi error hua hai in the financial records so substantive steps basically they are there to substantiate the figures in the accounts <coughs> example 3 in the context of your data security controls dash are records showing who has accessed the computer system and what operation he or she has performed so we studied key audit trail mein you can see kin kin logon hai access kiya hai system kya changes kiye hain so the correct answer is not password or archives it is b audit trails example 4 external auditors have no interest in the internal controls of the organization they are auditing is this statement true or false of course it is false external auditors will have an interest ki bhai internal controls kya hai because if they will know ki, Haan, internal controls ta, kar rahe", the internal audit department is working and making sure everything is working efficiently.

हुआ होगा मंथ में. What type of control is that? Now he is checking basically to find out if any error or fraud might have occurred. Basically वो कह रहा है अगर कुछ हुआ है गलती उसको चेक करने के लिए. So it is definitely not prevented because prevent में तो आप prevent करना चाहते हो in the first place कुछ happening. It is not corrective. इसमें आप basically जब हो गया है and you will want to see ki how can you correct it what are the procedures what went wrong and it is not physical but it is detective because detective may you say that once an error has happened something has gone wrong you go ahead and see ki kya hua tha and detect karna ki kya hui thi so reconciliations will check for errors of law that might have already occurred which is detective in nature and if the

वी स्टॉकड अबाउट सबसे पहले द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमने बताया एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है क्यों चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल कंट्रोल्स इन प्लेस टू मेक श्योर ऑर्गेनाइजेश में एवरी थिंग इज़ वर्किंग स्मूदली कोई एरर या फ्रॉड के चांसेस जितने कम हो सकें दैट्स वाई वी हैव दीज इंटरनल कंट्रोल्स इन प्लेस

दैन वी टॉक्ट अबाउट सर्टन कंट्रोल प्रोसीजर्स जहाँ पर हमने यू नो अकाउंटिंग प्रिवेंटिव डिटेक्टिव कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा करेक्टिव एक्शंस के बारे में पढ़ा देन वी टॉक्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ सर्टन फाइनेंशियल कंट्रोल प्रोसीजर्स जहाँ हमने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ देखा दैट डिफरेंट पीपल वी परफॉर्म इन डिफरेंट टास्क एंड दे शुड नॉट बी दन रिव्यूइंग ऑथराइजेशन अप्रूवल अलग होना चाहिए देर शुड बी सुपरविजन इंटरनल चेक्स के बारे में पढ़ा विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल बट इट इज़ सब्जेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट चेक बाय अनादर पर्सन सो अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो कोई और इंसान वो काम चेक कर रहा है दैट इज़ बेसिकली एन इंटरनल चेक कैरेक्ट्रिस्टिक्स और फीचर्स हमने देखे अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के क्या होते हैं देट दे एडिकुएट चेक्स दे विल बी प्री रिव्यू पोस्ट रिव्यू लिमिटेशंस हमने पढ़ा हमने ऑल्सो देखा वॉट इज एन इंटरनल ऑडिट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या करता है इट विल रिव्यू एंड कंटिन्यूसली मॉनिटर द इंटरनल कंट्रोल्स दैट आर इन प्लेस हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट देखा ऑपरेशनल ऑडिट सिस्टम ऑडिट जिसमें कंप्लायंस टेस्ट आर देर टू सी दैट द इंटरनल कंट्रोल्स आर बी अपलाईड एस प्रिस्क्राइबैंड यू आर सबस्टैंडिंग द फिगर दैट इज गोइंग इन यूर फिनियल रिकॉर्ड्स हमने अकाउंटेबिलिटी के बारे में पढ़ा एंड वी टॉक्ट अबाउट एक्सटर्नल ऑडिट की एक्सटर्नल ऑडिट एक यू नो अलग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होगी जो कि आपका ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बेसिकली देर गिव एन ओपिनियन कि आर दे गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट हमने इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट के बीच में क्या डिफरेंसेस थे वो डिस्कस किया इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है कि इफ़ द इंटरनल ऑडिट यू नो डिपार्टमेंट इज एफेक्टिवली वर्किंग कंट्रोल आज इन प्लेस देन एक्सटर्नल ऑडिटर्स कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन दोज वर्किंग्स हमने आईटी सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने थ्रेट्स के बारे में पढ़ा फिजिकल थ्रेट जैसे कि कोई फायर हो गई लाइटनिंग आ गई हमने फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के बारे में पढ़ा कि हाउ कैन यू You know, uh, limit the access. probably you can use door locks or id cards. only those per persons could, um, you know, enter thumbprint impression. then we talked about input controls and our output controls. then we talked about backup controls. why backing up data is important, why archiving the data is important so that if something happens, if you lose the data, you have it in another place. देन वी टॉक अबाउट ऑडिट रेलवे बेसिकली सो स्टार्ट से लेकर एंड तक किसने सिस्टम को एक्सेस किया है क्या चेंजेस किए हैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं देन वी टॉक अबाउट कंटीजेंसी कंट्रोल एंड द डिसटर रिकवरी प्लान देन वी मूव ऑन टू टॉकिंग अबाउट साइबर रिस्क साइबर अटैक क्या होता है हैकिंग और वेरियस टाइप ऑफ साइबर अटैक जैसे कि फिशिंग हो गया जहाँ आपको कोई ई मेल भेज देगा या फार्मिंग दैट यू विल प्रॉबेबली रिडायरेक्टेड टू अ वेबसाइट जो कि ओरिजिनल वेबसाइट की थीयर लगती है लेकिन है नहीं एंड वी टॉक्ट अबाउट हैकिंग हमने साइबर सिक्योरिटी मेथड्स की कंपनीज विल यूज़ यू नो एंटी वायरस एंड फायर वर्थ एंड वी ऑल्सो डिस्क अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग विथ दिस वी एंड टूडे सेशन यू शूड गो हैड एंड रिवाइज आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा टिल देन दिस इज दिशा चौहान साइनिंग ऑफ